channels for science and press the bell icon to watch latest videos related to sports science. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है जी। फिक्स्चर हमने जितने भी ड्रा किए हैं उसी से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर हम जो है 21 टीम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सोचते हैं कि सर फिक्स्चर आपने सारे बताए हैं, 21 टीम का फिक्स्चर कोई भी नहीं बता रहा। मैंने भी यूट्यूब वीडियो सर्च की है तो मुझे जो है उसकी सेटिस्फैक्ट्री जो है उनका आंसर नहीं मिला। तो आज जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है कि 21 अगर नंबर ऑफ टीम्स आपको दी जाए तो उनके फिक्स्चर आप जो है कैसे आसान तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज वसीम एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्पोर्ट्स। अच्छा जी, हमारा टॉपिक जो है उसको मेंशन कर लेते हैं। फिक्स्चर हमने ड्रा करने हैं 21 टीम्स के। उसके लिए जो है बेसिक कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करते हुए जो है अपना मेन जो है ग्राफ टाइप जो है फिक्स्चर उसे आसानी से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे जो है हमने जिस चीज को फाइंड करना है वो क्या चीज है कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो है कितनी है। नंबर ऑफ टीम्स उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और कैपिटल एन जो है इज इक्वल टू 21, यानी 21 नंबर ऑफ टीम हमें दी गई हैं जिसको हमने जिनके फिक्स्चर ड्रा करने हैं। सेकंड नंबर पे हमें जिस चीज को फाइंड करना है वो चीज क्या है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 21 टीम के। तो उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। एन क्या है हमारे पास है? नंबर ऑफ टीम्स 21 माइनस 1 तो हमारे पास क्या आता है 20। कितने मैचेस होंगे, 20 मैचेस होंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो है 21 होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें जो फाइंड करनी है चीज के कितनी टीम जो है फिक्स्चर बनाते वक्त अपर हाफ पे होंगी और कितनी टीम जो है फिक्स्चर बनाते वक्त जो है लोअर हाफ पे होंगी। ठीक है जी, इनको देखते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स एट अपर हाफ कितनी टीम होंगी उसका फॉर्मूला है n+1/2। अब देखेंगे n+1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टीम। n क्या है, नंबर ऑफ टीम है, वो लिखेंगे प्लस फॉर्मूले वाला 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 21 प्लस 1 22 डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे 22 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो क्या आता है हमारे पास, यानी कि 2 11 22। तो यहां पे क्या आंसर आता है हमारे पास 11। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हमने जो चीज फाइंड करनी है वो चीज क्या है कि नंबर ऑफ टीम जो है लोअर हाफ पे कितनी टीम्स बिलोंग करेंगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, फॉर्मूले वाला माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आप देखें 21 में से एक निकाला तो क्या हमारे पास आता है 20 डिवाइडेड बाय 2। आप देखें 2 1 2 2 10 20, तो हमारे पास आंसर आता है इसका 10। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ टीम जो है अपर हाफ पे कितनी टीम्स होंगी 11 और लोअर हाफ पे कितनी टीम्स बिलोंग करेंगी 10। ये लोअर हाफ पे है। अच्छा जी, लोअर हाफ पे हमारे पास टीम कितनी होंगी, नंबर ऑफ टीम जो है 10 होंगी, अपर हाफ पे नंबर ऑफ टीम जो है हमारे पास 11 है और लोअर हाफ पे हमारे पास नंबर ऑफ टीम जो है 10 होंगी। अब 11 प्लस 10 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स 21 है, इसका मतलब जो है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सारी जो है फिक्स्चर में, वो क्या है कि हमने नंबर ऑफ बॉयज कैसे फाइंड करने हैं, जिसे स्टेप नंबर 5 हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज उसका फॉर्मूला है एन बी। अब देखें जी, एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 जो है हमने उसको देखना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4,
2 की पावर 5 एंड 4. आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 जो है 4, 2 की पावर 3 जो है 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 जो है 32 हमारे पास आता है. अब जो है हमने क्या करना है, एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 जो है उसको देखा जाएगा. एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 क्या है, हमारे पास 32 है. तो क्या करेंगे, 32 जो है उसको जो है माइनस कर देंगे नंबर ऑफ टीम्स में से. नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास क्या है, 21. तो क्या हमारे पास आता है आंसर, 32 माइनस 21 मींस के हमारे पास आंसर आता है 11. ठीक है जी. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है, इसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बॉयज. उसके बाद हमने चीज नेक्स्ट डिफाइन करनी है. 6 स्टेप हमारा होगा कि नंबर ऑफ बॉयज जो है अपर एंड पे कितनी होंगी, कितनी टीम्स को नंबर ऑफ बॉयज हम अपर एंड पे देंगे और कितनी टीम्स को जो है नंबर ऑफ बॉयज हम लोअर एंड पे देंगे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज एट अपर एंड, अपर हाफ लिख रहे हैं. ठीक है जी, अपर एंड या अपर हाफ एक ही चीज है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब एन बी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब 11 में से जब हमने एक सब्स्ट्रैक्ट किया, एक निकाला, तो क्या हमारे पास बचता है 10 ओवर 2. 2 1 का 2 तो 5 का 10. तो नंबर ऑफ टीम जो है अपर हाफ पे हमारे पास जिनको बाय देनी है उनकी तादाद होगी 5. अब 6 के बाद सातवां नंबर जो है, सातवां स्टेप हमारे पास जो है, हमने ये निकालना है कि लोअर एंड पे कितनी टीम्स को हमने बाय देनी है. तो क्या होगा, एन बी उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बायज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब देखें जी नंबर ऑफ बायज हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बायज 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 2, 1 are 2, 6 are 12. तो हमारे पास आंसर आता है 6. अब देखें जी हमने चेक करना है कि हमने जो नंबर ऑफ बायज अपर एंड और लोअर एंड के लिए निकाली है क्या वो ठीक है, उसमें कोई एरो तो नहीं है. तो उसका जो है देखने का तरीका का ये है कि नंबर ऑफ बायज जो है अपर एंड की 5 है और लोअर एंड की 6 है, और 5 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बायज के बराबर आता है जो हमारे पास, जिनकी तादाद है 11. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. अब लास्ट जो स्टेप हमने करना है वो क्या करेंगे इसमें, कि हमने जो है नंबर ऑफ राउंड फाइंड करने हैं, कितने जो है इस 11 टीम के टूर्नामेंट के अंदर कितने जो है राउंड होंगे, कितने मैचेस के राउंड होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स. उसका जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट इजीएस्ट सा है फॉर्मूला, आपने जो है बाय निकाली है तो एक्सट्रीम पावर ऑफ 2 जो है आपने यहाँ पे यूज की है वो 32 है, यानी कि पावर जो है 2 की 5. तो क्या होगा, 2 की पावर 5 मींस के 5 राउंड जो है खेले जाएंगे पूरे टूर्नामेंट के अंदर. चले जी अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मेन जो है मुद्दा है, जिसकी तरफ हमने जो है फिक्स्चर ड्रा करने हैं 21 टीम. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है लाजमी है, इसको देखते हुए हम जो है इनके फिक्स्चर ड्रा करते हैं और आपको बताते हैं कि फिक्स्चर कैसे ड्रा किए जाते हैं. अच्छा जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है नंबर ऑफ टीम्स हमें दी गई हैं उनकी काउंटिंग जो है बिल्कुल तरतीब के साथ हमने वैसे ही लिख लेनी. यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये जो है सेपरेट हो जाए. अब देखें जी नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास है 21. हमने क्या करना है, 21 तक जो है बिल्कुल काउंटिंग लिख लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, and last one जो है 21 तक हमने जो है स्ट्रेट काउंटिंग लिख लेनी है. जो है वो क्यों लिखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 21 है, तो हमने 21 तक जो है उनको काउंट कर लिया, स्टेट लिख लिया. अब हमने क्या करना है, हमने जो है यहाँ पे चीज निकाली थी कि नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारे पास अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, तो वो टीम्स नंबर ऑफ अपर हाफ में जो है उनकी काउंटिंग जो है 11 है. ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इनको, यानी कि सेपरेट कर लेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ को. ठीक है जी, 11 नंबर ऑफ टीम्स है, इसका मतलब क्या है, 11 के बाद जो है टीम को हमने जो है
दो पार्ट ने डिवाइड कर दिया है, जो एक पार्ट जो है अपर हाफ है और सेकंड जो है लोअर हाफ। ठीक है जी, अपर हाफ पे टीम 11 टीम्स आ गई और लोअर हाफ पे कितने टीम है? 10 टीम। ये काउंट करें तो जो नंबर ऑफ टीम लोअर हाफ पे है वो 10 ही है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने बायस देनी है टीम्स को, हमने यहाँ पे बायस देनी है। बायस कितनी तादाद है जिनकी? 11 तादाद है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ पे हमने जो टीम्स को डिवाइड किया है वो बायस कैसे देनी है हमने, ये देखते हैं जी। अपर हाफ पे जो हमने टीम्स को बायस देनी है उनकी तादाद है 5, तो 5 बायस हमने देनी है अपर एंड की तरफ। तो कैसे बायस देते हैं? सबसे पहले अपर हाफ पे बायस देने का तरीका ये है कि जिस टीम को बायस दी जाती है अपर हाफ पे, वो नंबर 1 पे जो टीम होती है उसी टीम को बायस दी जाती है। उसके बाद जो है सेकंड बायस जो है फर्स्ट हाफ की जो लास्ट टीम होती है उस टीम को बायस दी जाती है। थर्ड वन पे जो है फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे टीम होती है उस टीम को बायस दी जाती है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो टीम होती है जिसको बायस दी जाती है, वो टीम नंबर जो होती है लास्ट से ऊपर वाली टीम यानी कि सेकंड लास्ट। और लास्ट बाय जो है टीम नंबर 3 नंबर पे टीम जो है उसको बाय दी जाती है। ठीक है, अब देखिए काउंट करें कि हमारी नंबर ऑफ बायस कंप्लीट हो चुकी है। जितनी हमने अपर हाफ पे देनी थी 5 बायस हमने देनी थी अपर हाफ पे, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब ये जो है हमने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम चलते हैं बॉटम या लोअर हाफ की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने कितनी टीम्स को बाय देनी है। यहाँ पे हमने बाय देनी है 6 टीम को। बाय देने का सबसे पहले लोअर हाफ पे तरीका ये है कि सबसे पहले जिस टीम को हम बाय देंगे वो टीम जो है लास्ट टीम जो होती है लोअर हाफ की उस टीम को बाय दी जाती है। ठीक है जी, उसके बाद जो सेकंड बाय दी जाती है वो लास्ट यानी हाफ सेकंड हाफ की जो फर्स्ट टीम होती है उस टीम को बाय दी जाती है यानी कि टीम नंबर 12। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बायस 6 है, बचती हमारे पास 4 है क्योंकि 2 हमने यहाँ पे बाय ऑलरेडी दे दी है। अब हमारे पास 4 बाय बचती है, किन किन टीम को बाय दी जाती है? सेकंड लास्ट टीम को, उसके बाद जो है फर्स्ट के बाद वाली सेकंड टीम को, अब देखे जी उसके बाद जो है थर्ड जो लास्ट टीम होती है उसके बाद जो है ऊपर वाली जो है तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरे नंबर पे। अब देखे जी काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या है कि हमने ये स्टेप भी आसानी से जो है कंप्लीट कर लिया है। नंबर ऑफ बायस जो है हमने जो है आसानी से लोअर एंड पे भी टीम्स को डिवाइड कर दी है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है फिक्स्चर ड्रा करने की तरफ। अब देखें जिस टीम को हमने बाय दी होगी वो टीम खेले बगैर जो है अगले राउंड की तरफ मूव कर जाएंगी, और बाकी जो टीम बचती है उन टीम्स के आपस में मैचेस होंगे। वो टीम कौन कौन सी है? टीम नंबर 4 और 5 का मैच होगा आपस में, 6 नंबर का 7 के साथ, 8 नंबर टीम जो है इसका मैच होगा टीम नंबर 9 के साथ। उसके बाद बाकी टीम जो है वो बायस वाली है, ये आगे चली जाएगी। जो रिमेनिंग है टीम नंबर 15 का जो है 16 नंबर के साथ मैच होगा, 17 का जो है मैच 18 नंबर के साथ मैच होगा, और बाकी टीम जो हमारे पास बच रही है वो कौन सी टीम है जिनको हमने खेले बगैर जो है अगले राउंड में लेके जाना है, जिनको हमने बाय दी थी, यानी टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, और इन दोनों टीम पे जो है फर्स्ट राउंड में मैचेस हो रहे हैं, इन दोनों टीम में से 4 और 5 का जब मैच हुआ तो इनमें से टीम नंबर 4 एग्जांपल 4th विन कर गई। ठीक है जी, और नेक्स्ट राउंड में मूव कर गई। उसके बाद टीम नंबर 6 नंबर पे जो है वो 7वें नंबर पे, इन दोनों का जब आपस में मैच होगा तो इन दोनों टीम्स में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव कर जाएगी, वो टीम फॉर एग्जांपल टीम नंबर 6 है। उसके बाद है टीम नंबर 8 और टीम नंबर 9 जो है इन दोनों का भी आपस में मैच होगा, तो इन दोनों में से भी एक टीम जो है खेल के या विन करके अगले राउंड में मूव कर जाएगी, फॉर एग्जांपल वो टीम नंबर 8 है। उसके बाद टीम नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, यहां तक टीम्स को बायस मिली हुई है, तो ये टीम जो है खेले बगैर अगले राउंड में मूव कर जाएगी। टीम नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है जी। अब देखें 15 और 16 का मैच होगा आपस में, और इनमें से एक टीम जो है विन करके अगले राउंड में मूव करेगी, और इसी तरह 17th और 18th टीम नंबर जो है इनका फर्स्ट राउंड में मैच होगा, और खेल के जो टीम विन करेगी वो अगले राउंड में
मूव कर जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टीम नंबर 17 ने विन किया है. अब देखें 19, 20 और 21 ये टीम जो बचती है, इसका मतलब क्या है कि ये टीम जो है खेले बगैर अगले राउंड में जा रही है, क्योंकि इन टीम्स को हमने बाय दी थी. टीम नंबर 19, 20 और 21. अब देखें जी, जो टीम अगले राउंड में मूव करके आ चुकी है, इन टीम्स के दोबारा आपस में मैचेस करवाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल टीम नंबर 1 का टीम नंबर 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 6 का 8 के साथ, 10 का 11 के साथ, 12 का 13 के साथ, 14 का 15 के साथ, 17 का 19 के साथ और 20 टीम नंबर का 21 टीम के साथ मैच करवाया जाएगा नेक्स्ट राउंड में. अब देखते हैं जी यहाँ पे कौन सी टीम जो है इन दोनों टीम पे जब मैचेस हुए टीम नंबर 1 और 2 का, इनमें से एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीम नंबर 1 ने विन किया और 3 और 4 का जब आपस में मैच हुआ तो इन दोनों टीम्स में से टीम नंबर 3 विन कर गई. इसी तरह जब 6 और 8 नंबर टीम का मैच हुआ आपस में तो इन दोनों टीम्स में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. वो टीम नंबर, फॉर एग्जांपल वो टीम नंबर 8 है. उसके बाद टीम नंबर 10 और 11 का जब आपस में मैच हुआ तो इनमें से टीम नंबर 10 विन कर गई. 12th और 13 का जब मैच हुआ तो इनमें से टीम नंबर 12 विन कर गई. 14 और 15 का जब मैच हुआ तो इन दोनों टीम में से टीम नंबर 15 विन करके अगले राउंड में मूव कर गई. इसी तरह टीम नंबर 17 और 19 का जब आपस में मैच हुआ तो इन दोनों टीम में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. फॉर एग्जाम्पल वो टीम नंबर 19 है. और इसी तरह जो है टीम नंबर 20 और 21 के जब आपस में मैच हुआ तो इन दोनों टीम्स में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. वो टीम नंबर जो है फॉर एग्जांपल 21 है. अब देखें जी यहाँ पे हमने क्या करना है, जो टीम मूव करके आ गई है विन करके मैचेस अपने अगले राउंड में, उनके दोबारा जो है आपस में मैचेस होंगे. टीम नंबर 1 का 3 के साथ मैच होगा, 8 नंबर का 10th नंबर के साथ होगा, 12th नंबर का 15 के साथ, 19 का 21 के साथ. ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब ये टीम नंबर 1 और 3 का आपस में मैच हो रहा है, इन दोनों टीम में से जो टीम विन करेगी वो अगले राउंड में मूव करेगी. फॉर एग्जांपल टीम 1 और 3 का मैच हुआ और टीम नंबर 3 विन कर गई, टीम नंबर 1 लूज कर गई. वो वैसे नॉकआउट, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है तो जो टीम हारी जा रही है वो बाहर हो जा रही है. ठीक है जी, उसके बाद टीम नंबर 8 और 10 का जब आपस में मैच हुआ तो इन दोनों टीम में से जो है टीम नंबर 10 विन कर गई. इसी तरह जो है टीम नंबर 12 और 15 का जब मैच हुआ तो इन दोनों टीम्स में से टीम नंबर 12 विन कर गई. और लास्ट में जो है टीम नंबर 19 और 21 का जब आपस में मैच हुआ तो इनमें से टीम नंबर 21 विन करके अगले राउंड में मूव कर गई. अब हमने यहाँ पर देखना है जो टीम अगले राउंड में मूव करके आई है इन दोनों बाकी टीम्स के आपस में जो है दोबारा मैचेस करवाए जाएंगे. टीम नंबर 3 टीम नंबर 10 के साथ खेलेगी, टीम नंबर 12 जो है टीम नंबर 21 यानी 21 नंबर पे जो टीम है उसके साथ इस टीम का मैच करवाया जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इन जो टीम नंबर 3 और 10 आपस में खेल रही हैं, इन दोनों टीम्स में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. ठीक है जी, वो टीम कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल वो टीम नंबर 10 जो है यहां पे विन कर गई है, टीम नंबर 3 जो है लूज करके नॉकआउट सिस्टम के थ्रू बाहर हो गई है. अब देखें जी टीम नंबर 12 और 21 का जब आपस में मैच होगा तो इन दोनों टीम्स में से भी एक टीम विन करके अगले राउंड में मूव करेगी. वो कौन सी टीम है, फॉर एग्जांपल वो टीम नंबर 21 है, 21 टीम नंबर जो है वो विन करके अगले राउंड में मूव कर गई. अब हम यहाँ पे देखते हैं दो टीम हमारे पास आती हैं लास्ट में, वो कौन कौन सी टीम है, टीम नंबर 10 और टीम नंबर 21. अब इन दोनों टीम्स का आपस में जो है मैच होगा जिसे हम कहेंगे कि जो फाइनल मैच करवाया जा रहा है, इस मैच में क्या होगा, जो टीम विन करेगी मैच वो टीम विनर करार पाएगी. फॉर एग्जांपल देखें अब यहाँ पे इन दोनों टीम में से 10 और 21 का जब फाइनल मैच होगा तो इनमें से एक टीम विन करेगी. फॉर एग्जांपल इनमें से टीम नंबर 10 जो है विन कर रही है, टीम नंबर 10 विन कर गई तो इसे हम क्या कहेंगे, विनर. ठीक है जी, तो अब देखें कि ये सारा जो है फिक्स्चर हमने ड्रा कर लिया है 21 टीम्स का.
इसके अंदर हर चीज आपको बताई गई है, इसके बायस कैसे आपने निकालने हैं, फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हर चीज बता दी गई है। और लास्ट पे टीम जो विन करती है, टीम नंबर 10 विन करती है। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली, हर चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब देखें नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, उनकी तादाद है 5। अब यहाँ पे इस फिक्सचर के अंदर आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स को कैसे हमने काउंट करना है। अब देखें जी, सबसे पहले राउंड को देखें, 4 और 5 नंबर टीम का जब आपस में मैच हुआ, ये पहला राउंड है। बाकी टीम जिनको बाय दी गई वो आगे मूव कर गई। ये राउंड 1 है जिसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, R1। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सेकंड राउंड हमारे पास कौन सा है, जो अगला राउंड जहाँ पे टीम्स बाय करके आई थी, जहाँ पे उन्होंने मैचेस आपस में खेले हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, R2। थर्ड नंबर पे जो टीम्स विन करके अगले राउंड में मूव की हैं, जिनके मैचेस आपस में हुए, वो कौन सा राउंड है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये वाला है R3। और इसी तरह जो है इन टीम्स को जो है, जो टीम बीट करके जो टीम अगले राउंड में मूव की है, वो कौन कौन सी टीम है। अब यहाँ पे देखें R3 के बाद जो है ये वाला राउंड हमारे पास चल रहा है, तो इसे हम कह देते हैं R4। और लास्ट राउंड जो है, जहाँ पे हमने जो है डिसाइडर, यानी कि हमारा फाइनल मैच था, जहाँ पे दो टीम आपस में खेल रही थी, एक टीम विन करेगी एक लूज करेगी, तो लास्ट राउंड पे हम देखते हैं टीम नंबर 10 और 21 के जब आपस में मैच हुआ, तो इनमें से टीम नंबर 10 विन की है। ये राउंड कौन सा है, R5। अब देखें इसके बाद तो राउंड हमारे पास नहीं बच रहा, ये लास्ट मैच था, तो हमारे राउंड कौन करे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने निकालने भी राउंड 5 ही थे। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ इजी तरीके से मैंने हर चीज बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका किसी भी फिक्स्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो काइंडली हमें कमेंट लाजमी करें, हम आपके कमेंट का जो है लाजमी जवाब देंगे। और अगर कोई आपको फिक्स्चर चाहिए तो हम यहाँ पे ड्रा करके भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें जो है दोस्तों तक शेयर भी करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।